अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आलू से ऐसा नाश्ता जिसे खाकर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। ये बड़े ही आसानी से बनता है। घर में जो सामान है उसी से हम इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने दो आलू को उबाल कर इसके छिलके निकाल कर ले ली हूँ। अभी हम इसे मैश करेंगे। आलू मैश करके हो गए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, एक बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच कुटी हुई धनिया, पाव चम्मच डालेंगे काली मिरी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, और डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसे शेप दे देंगे। देखिए हमें इस तरीके से शेप देना है। आलू को देखिए शेप देकर हो चुके हैं। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के लिए पहले हम घोल बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 4 चम्मच मैदे का आटा। मैदे में हम मिलाएंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अभी हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई मिर्ची, और डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, देखकर ही डालना है। देखिए घोल तैयार हो चुका है। हमें ऐसे ही गाढ़ा घोल चाहिए। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गरम होने के लिए रख दी हूँ। तेल गरम हो चुका है। अभी आलू को हम इस घोल में डाल देंगे और इसके चारों तरफ हम इसे लगा देंगे। अभी हम इसे तेल में डाल देंगे। अभी हम इसे नीचे फ्राई होने देंगे, फिर हमें इसे पलटना है। इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से लाल होने देना है। देखिए चारों तरफ से अच्छे से लाल हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे आलू को फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह, देखिए आलू का हमारा इतना अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना हमारा आलू का नाश्ता कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।